किसानों से वादा खिलाफी के आरोप में केंद्र सरकार के खिलाफ आज दिल्ली में देश भर के किसान जुट रहे हैं। दो दिन तक चलने वाले इस विरोध प्रदर्शन में इस बार किसान संसद भी घेरने के मूड में है। 2014 के संसदीय चुनाव के दौरान किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं होने पर आज देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों किसान दिल्ली में जमा हुए हैं। अब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से होकर किसानों का जत्था रामलीला मैदान तक पहुंच रहा है। ये किसान कर्ज माफी के अलावा अपनी फसलों की सही कीमत के लिए संसद भी घेरने के मूड में है। दिल्ली में इनका विरोध प्रदर्शन दो दिन तक चलेगा। आज ही मोदी सरकार बार 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 लोगों को झूठ बोल रही है, तो ये जो चुनाव का समय है 2019 में, उससे पहले देश भर के किसान इकट्ठा हो रहे हैं और मोदी जी को बता रहे हैं कि तुम पूरे देश का किसान का जो कर्जा है उसको माफ करो। दूसरी बात, ये डेढ़ गुना जो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट दिया था उसको लागू करो, वरना किसान आज जाग गया है देश में, आने वाले चुनाव में एक तो माफ करो कर्जा और उसका 2.5 गुना दो, नहीं तो तुम साफ हो जाओगे, ये ऐलान करने आए हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दावा किया है कि किसानों का यह आंदोलन देश में हुए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक होगा। इसके संयोजक हन्नान मोल्ला के मुताबिक देश के 207 छोटे बड़े किसान संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और ये देश के इतिहास में पहला मौका है जब 200 से ज्यादा किसान संगठन एक बैनर के तले विरोध प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र से लेकर मेघालय और गुजरात से लेकर केरल तक के किसान शामिल हो रहे हैं। वहीं स्वराज अभियान के मुखिया योगेंद्र यादव ने कहा है कि वो सरकार को किसानों की समस्याएं सुनने के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाने के लिए मजबूर करेंगे। आंदोलन में शामिल होने के लिए सभी विपक्षी दलों के अलावा आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है।